जी सबको, राम राम जी सबको। हमारे बीच में आज की इस परिवर्तन महारैली की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सरदार हरमिंदर सिंह चट्ठा जी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आज के इस महापरिवर्तन रैली के मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी फूलचंद मुलाना जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हरियाणा के आदरणीय धर्मपाल सिंह मलिक जी और सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज हरियाणा की राजनीति एक दो राय पे आके खड़ी हो गई। आपने पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की इस खट्टर सरकार के कार्यकाल को देखा है। आपने क्या खोया है, क्या पाया इन 5 साल में, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दो राय निकलते हैं इस रास्ते से हरियाणा की राजनीति में। एक रास्ता 10 साल जो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार रही, एक रास्ता उस सरकार ने दिखाया था और एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी की इस खट्टर सरकार ने दिखाया है। एक रास्ता जो हमारा रास्ता है वो प्यार का, इंसानियत का, आपस के भाईचारे का, विकास का, हरियाणा को बुलंदी पे लेके जाने का, हरियाणा के अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य बनाने का रास्ता था। जो दूसरा रास्ता दिखाया इन्होंने 5 साल में वो आपसी रंजिश का, दंगे फसाद का, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी का, अहंकार का, घमंड का, असंवेदनशीलता का, हरियाणा के मान सम्मान और स्वाभिमान को कुचलने का रास्ता है। आज हमारे पास एक मौका है हरियाणा की राजनीति को एक दोबारा से उस दिशा में लेके जाएं जिस दिशा में हरियाणा का अच्छा भविष्य बने, हरियाणा की अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य बने। ये मौका आपके और हमारे पास है, हरियाणा के लोगों के पास है। एक रास्ता सच्चे देश प्रेम का रास्ता है तो दूसरा रास्ता सदम राष्ट्रवाद का भी रास्ता है। आपको पता है कभी राष्ट्रहित की बात आई, आपने 15 साल मुझे आशीर्वाद दिया और आपको आपने देखा जब भी कभी राष्ट्रहित की बात आई तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि हर बात की राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी अगर राष्ट्रहित की बात आए तो उस बात में संकोच ना हो और राष्ट्रहित के लिए कोई भी अगर मुद्दा आए तो उस मुद्दे पे जहां अपने स्टैंड रखने की बात हो तो वहां स्टैंड में खुल के रखूं। अभी धारा 370 की बात आई, हटाने की बात आई, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मगर जब हटाने की बात आई जन भावनाएं थी और जब ये लगाई गई थी कश्मीर को भारत से जोड़ा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के समय में, उस समय भी ये कहा गया था ये अस्थाई है और घिसते घिसते घिसेगी। समय आ गया था इसको हटाने का, समय आ गया था देश की अखंडता के लिए, जम्मू कश्मीर वासियों के अच्छे भविष्य के लिए। ये सही बात है, जिस तरीके से हटाया गया, गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हटाया गया, उसको लेके पे आपत्ति भी मैंने दर्ज करी, मगर जब इसकी बात, इसलिए मुद्दा आया तो सबसे पहले मैंने कहा कि हटाना सही है, तरीका गलत है मगर हटाना सही है।
मैं उसके समर्थन में हो सकता हूं। देश हित में कोई बात आएगी, राष्ट्र हित में कोई बात आएगी तो उसके समर्थन में मैं बोल सकता हूं। लेकिन जो लोग देश को, राष्ट्र को, राष्ट्र हित को अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, उसका समर्थन कभी दीपेंद्र नहीं कर सकता। जो लोग देश हित को और राष्ट्र हित को अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, देश हित, राष्ट्र हित राजनीति से ऊपर होना चाहिए। यह देश का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। मगर आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी और आज भी हरियाणा प्रदेश में एक पार्टी राष्ट्र को, राष्ट्र की सेना को, देश की सेना को अपनी राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है। ऐसी विचारधारा का कभी समर्थन हम नहीं कर सकते। भाईचारे को तोड़ने की विचारधारा का कभी हम समर्थन नहीं कर सकते। सवाल हरियाणा के भविष्य का है। मुझे दुख है, मेरे को पीड़ा होती है इस बात को देखकर कि जो हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचा था, विकास में, खुशहाली में, आज उस हरियाणा क्या हाल हुआ है 5 साल में। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में देखता हूं, मैं पूरे हरियाणा में देखता हूं किस दिशा में मेरा लोकसभा क्षेत्र जा रहा था, किस दिशा में हरियाणा जा रहा था और आज किस दिशा में गया इन 5 साल में। आज आकलन करना है, हरियाणा को आकलन करना है, क्या खोया है आपने, क्या खोया है, क्या पाया है इन 5 साल के अंदर, आपको हमको मिलकर आकलन करना है। जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, विकास दर में नंबर एक था, किसान के भाव में नंबर एक था, गरीब की योजनाओं में, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की योजना हो, मकान की योजना हो, दाल रोटी स्कीम हो, मनरेगा की स्कीम हो, गरीब की योजनाओं में जो हरियाणा नंबर एक था, खिलाड़ियों के सम्मान में जो हरियाणा नंबर एक था, आपस के भाईचारे में, खुशहाली में नंबर एक, कानून व्यवस्था और शांति प्रिय के लिए देश में नंबर एक माना जाता था, वो हरियाणा इन 5 साल में बेरोजगारी में आज नंबर एक, अपराध में नंबर एक, आपस में रंजिश में, दंगों में, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर एक, सरकार के अहंकार में नंबर एक, बीजेपी के घमंड में नंबर एक, वो हरियाणा आज पहुंचा है। इस बीजेपी की सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। कर्जा दुगना, हरियाणा के भाईचारे को चौपट कर दिया अपनी राजनीति के लिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति को चौपट कर दिया, हरियाणा के स्वाभिमान को चौपट कर दिया, हरियाणा के मान सम्मान, आपके स्वाभिमान को अपने पैरों के तले रौंदने का काम किया, चौपट कर दिया। जैसा हरियाणा आप और हम जिस दिशा में लेके जाना चाहते थे, आज उससे विपरीत दिशा में लोग लेके गए हैं। 5 साल कैसा कार्यकाल रहा है आपके सामने, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मगर अब निर्णायक घड़ी आई है। आपको और हमको मिलके प्रदेश की राजनीति को दोबारा से उसी दिशा में लेके जाना है, दोबारा से ऐसी दिशा में लेके जाना है जिसमें हरियाणा का भाईचारा मजबूत हो, हरियाणा का भविष्य खुशहाल हो, विश्व स्तरीय विकास के रास्ते पे आगे बढ़े हरियाणा, भाई भाई में भेद ना हो और पूरे देश के अंदर हरियाणा विकास के मामले में बुलंदी पे पहुंचे, विकसित देशों से भी आगे हरियाणा का नाम विकास के उज्जवल भविष्य के मामले में आए। आज ये संकल्प आपको और हमको मिलकर ये संकल्प लेने का समय आया है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी एक आदमी के बस की बात लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो आज हम लोग सारे यहां पे इकट्ठे हुए हैं और प्रदेश के जो लाखों लोग
जो इस सरकार की कार्यशैली को नकार चुके हैं, अपने दिलों में अपने मनों में सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आप सब से पूछता हूं, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में जो आज चुनाव प्रचार का बिगुल बजाने का जो काम हुआ है, उस संघर्ष और उस बिगुल में आपका साथ और आपका आशीर्वाद, इस लड़ाई में आप सब से मैं पूछता हूं, आपका साथ और आपका आशीर्वाद इस लड़ाई में, इस बीजेपी की खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर दिखाने के रास्ते में। और मैं यही विश्वास दिलाता हूं, सारी सीनियर लीडरशिप, सारा वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है, मैं सारी सीनियर लीडरशिप को, सारे वरिष्ठ नेतृत्व को यही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो जिम्मेदारी हमारी लगेगी, जैसी जिम्मेदारी लगेगी, जो मेहनत हमें करनी होगी, हरियाणा का युवा, एक नौजवान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा का युवा कंधे से कंधा मिलाकर जो सारी सीनियर सी लीडरशिप यहां बैठी है, उनको विश्वास दिलाते हैं, हरियाणा का युवा कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, ये मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज जो आप सब यहां पे पहुंचे, सभी वरिष्ठ नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। सब बोल नहीं पाए, बहुत से हमारे पूर्व विधायक मंत्री ऐसे हैं, क्योंकि समय की बचत के कारण जो अपनी बात रख नहीं पाए, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब यहां पे पहुंचे हो और जो आज बिगुल बजाया है, ये मेहनत रंग लेके आएगी। जो आज बिगुल बजाया है, जब तक हरियाणा में चंडीगढ़ में बैठी हुई, जब तक इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तब तक थमेंगे नहीं, जब तक इस खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे। ये कहते हैं अब की बार 75 पार, ठीक बात है, डीजल पेट्रोल 75 पार लगभग हो गया है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले में नजदीक पहुंच गया है। अब की बार 75 पार नहीं, अब की बार भाजपा बाहर, अब की बार खट्टर बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने अपने बहुत ही जोशीले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए किस प्रकार